हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे तो बहुत बड़ा एक हमारे साथ धोखा हो गया है आप सब जानते ही होंगे ये वीडियो भी थोड़ा लेट हो गया है पर कोई बात नहीं मिलेगा ज़रूर मिलेगा लेक्चर ऐसे मिस नहीं होगा कोई भी तो किसी के भी मन में ये शक नहीं आना चाहिए कि लेक्चर आया नहीं तो वो मिस हो गया ना 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 ऐसा कुछ भी नहीं है लेक्चर होगा कभी कभार थोड़ा सा किसी काम की वजह से लेट हो गया तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ठीक है क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग सिस्टम है चलो अब धोखा हमारे साथ एक बहुत बड़ा क्या हो गया है आप सब जानते ही होंगे कल नोटिफिकेशन आ गया यूपीएससी का और यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में यह बोल दिया कि भैया जो तुम्हारा यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर होना था जो चार अक्टूबर को पेपर होना था वो अब इस साल नहीं होगा उसको डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कल ही मैंने डिस्कस कर दिया था और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन और गैप बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका ये बैकग्राउंड नहीं था तो उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है उनको तीन से महीने का टाइम जो है एक्स्ट्रा मिल गया है तो अब जोर लगा दो और उस नोटिफिकेशन अगर अभी तक देखी नहीं है तो यहाँ पर अभी एक आपको मिल जाएगा लिंक उस पर देखो वो वीडियो देख लेना ठीक है कल डिस्कस किया था उसमें हमने तो टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन पार्ट टू बच्चों डिस्कस करेंगे पार्ट वन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट टू आपका बिल्कुल छोटा सा पार्ट रहेगा ठीक है और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ में हम सबसे पहले बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया ठीक है वर्किंग क्लास का कैसे एवोल्यूशन हुआ बहुत से लोगों ने हिस्ट्री में भी इसको पढ़ा होगा क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भी जो है ये एक चैप्टर रहता है बहुत से बच्चे जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं जो यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसमें भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं काफी अच्छा चैप्टर है वो भी ठीक है स्पेक्ट्रम जो आपकी राजीव वही राती है हिस्ट्री की उसमें आप पढ़ लेना उसको लेक्चर से पहले काफी हेल्प करेगा ठीक है तो टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन शुरू करते हैं पार्ट वन में क्या डिस्कस किया था हमने बेसिकली देखा था कि तीन तरह आपको क्लासिफाई किया जाता है ट्रेड यूनियंस को एक तो पर्पस के हिसाब से और पर्पस में हमने देखा था रिफॉर्मिस्ट यूनियन 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 होता होता और होता रेवोल्यूशनरी और प्रीडेटरी ठीक है दूसरा होता है क्लासिफिकेशन मेंबरशिप के आधार के ऊपर मेंबरशिप के आधार पर हमने देखा एक ऑक्यूपेशनल और क्राफ्ट यूनियन था जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर क्राफ्ट या एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लोग थे फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था फिल्म इंडस्ट्री का अगर फिल्म इंडस्ट्री के सारे कैमरा अपनी एक इंडस्ट्री यूनियन बना लेते हैं तो वो हो जाएगी आपकी ऑपरेशनल यूनियन ऑक्यूपेशनल यूनियन सॉरी या क्राफ्ट यूनियन इंडस्ट्रियल यूनियन वो होती है जिसमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सारे क्राफ्ट के लोग आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कि फिल्म इंडस्ट्री अगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक यूनियन बना लेती है तो वो क्या होगी इंडस्ट्रियल यूनियन इस इंडस्ट्रियल यूनियन में सारे लोग होंगे कैमरा मैन भी होंगे एक्टर्स भी होंगे ठीक है डायरेक्टर्स भी होंगे प्रोड्यूसर्स भी होंगे सब आ जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था जनरल यूनियन जनरल यूनियन में बेसिकली क्या था कि इसमें कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं थी ठीक है अलग अलग इंडस्ट्रीज से लोग मिलकर के एक यूनियन बना रहे थे और फिर था आपका ब्लू या व्हाइट कॉलर यूनियन ठीक है ब्लू कॉलर हमने देखा था जो शॉप लेवल पर काम करने वाले वर्कर्स हैं और व्हाइट कॉलर में हमने देखा कि सुपरवाइजर या जो मैनेजरी रोल्स में जो इंप्लाइज आ जाते हैं वो व्हाइट कॉलर में आ जाते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे अब आज हम थर्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे जो हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ठीक है ऑपरेशन के आधार पे और इसी ऑपरेशन के आधार पे हम हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में जो ट्रेड यूनियन स्ट्रक्चर्ड हैं वो बेसिकली आपके ये ऑपरेशन के आधार के ऊपर ही स्ट्रक्चर्ड है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन तो हमारे पास चार क्लासिफिकेशन आती हैं सबसे पहले आ जाती है आपकी प्लांट लेवल यूनियन प्लांट लेवल यूनियन सिंपल सी बात एक फैक्ट्री है एक कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी वर्क प्लेस है वहां पर उ, उस फैक्ट्री में उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में यूनियन बनी हुई है तो उसको कह दोगे प्लांट लेवल यूनियन इंडस्ट्री लेवल यूनियन क्या हो गई इंडस्ट्री लेवल यूनियन हो गई कि भैया एक शहर में हैं. Example, फिर रीजनल फेडरेशन आ गया उस रीजन में जितनी इंडस्ट्रीज हैं सारी इंडस्ट्रीज मिलकर के एक यूनियन बना लेंगे और नेशनल फेडरेशन में नेशनल लेवल पे जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे मिलकर के एक यूनियन बना लेंगे इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो ये सारी जो है आपकी नेशनल फेडरेशन है इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम एक बार एवोल्यूशन कर लेंगे ना ट्रेड यूनियंस का इंडिया में ठीक है तो इनके बारे में भी हम ब्रीफ ब्रीफ पॉइंट्स जो है जो मेजर आपकी ट्रेड यूनियंस है वो देखेंगे अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ट्रेड यूनियंस का इंडिया में तो मिलता जुलता स्ट्रक्चर है कैसा पहले प्लांट लेवल पर यूनियंस आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में फिर लोकल लेवल पर फिर रीजनल पर और फिर नेशनल पर अब जल्दी से बहुत ब्रीफली इसको समझ लेते हैं कि प्लांट लेवल लोकल लेवल रीजनल और नेशनल फेडरेशन क्या है ठीक है ये स्ट्रक्चर रहता है बिल्कुल बेस के ऊपर आपका प्लांट लेवल यूनियन फिर उसके ऊपर लोकल लेवल फिर रीजनल लेवल और फिर नेशनल फेडरेशन चलिए अब प्लांट लेवल या एंटरप्राइज लेवल यूनियन क्या होता है इसमें जो यूनियन होती हैं वो प्लांट लेवल के ऊपर यानी कि एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज कोई भी एक्स वाई जेड एंटरप्राइज है ठीक है वहां पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपनी एक यूनियन बना लेंगे तो उसको प्लांट लेवल यूनियन बोलेंगे ठीक है अब एक प्लांट में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एंटरप्राइज में एक ही यूनियन हो एक एंटरप्राइज में एक से ज्यादा यूनियंस भी हो सकती हैं ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि एक एंटरप्राइज में या एक प्लांट में या एक फैक्ट्री में सिर्फ एक ही यूनियन बनेगी लेकिन जो है ऐसा कहा गया है एक ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 करके आया था उसमें यह बोला गया कि सात से ज्यादा वर्कर मिल करके एक यूनियन बना सकते हैं ठीक है एनी सेवन वर्कर्स ठीक है अगर सात लोग हैं या सात से ज्यादा लोग हैं वो मिलकर के एक यूनियन बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी एक्स वाई जेड इंडस्ट्री में सौ लोग हैं ठीक है सौ लोग हैं तो आप ये देखो कि एक यूनियन बनी हुई है पचास लोगों की अब बाकी के पचास लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक अलग यूनियन बनाएंगे क्योंकि ये सात से ज्यादा है तो वो भी अपनी एक अलग यूनियन बना सकते हैं सिमिलरली दस दस लोग दस यूनियन भी बना सकते हैं क्योंकि सात मिनिमम होने चाहिए ठीक है तो ऐसा कहीं नहीं है कि एक कंपनी में या एक इंडस्ट्री में एक ही यूनियन होगी अब आपकी जो ये एंटरप्राइज लेवल यूनियन होती है ये दो तरह की होती हो सकती है जो आपकी प्लांट लेवल यूनियन होती है एक जो किसी ना किसी नेशनल लेवल फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई है एफिलियेट हुई हुई है ठीक है और दूसरी जो इंडिपेंडेंट है एफिलिएट होना मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी यूनियन है जो प्लांट में प्लांट लेवल यूनियन है वो एफिलिएट हो गई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ समझ रहे हो तो वो क्या होगी एक तरह से एफिलिएशन होगी एक तरह से उन्होंने मेंबरशिप ले ली एक नेशनल लेवल फेडरेशन की वो ताकि उनके इंटरेस्ट जो है वो इनडायरेक्टली नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट उनको कर सकें क्लियर और इंडिपेंडेंट का मतलब कि उनका किसी से लेना देना नहीं है किसी के मेंबर नहीं है वो सिर्फ अपने प्लांट लेवल के ऊपर ही काम कर रहे हैं ऑल right. उसके बाद लोकल लेवल यूनियन अब देखो लोकल प्लांट लेवल यूनियन इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट और इंडस्ट्री एट द लोकल लेवल में लोकल लेवल फेडरेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई ये है इंडस्ट्री ए ये, ये है इंडस्ट्री बी ये है इंडस्ट्री सी ये है इंडस्ट्री डी ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है ये आयरन सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं ठीक है लोहा बनाती है नया लोहा बनाती है अब ये चारों इंडस्ट्रीज मिल करके चारों इंडस्ट्रीज के वर्कर्स मिल करके यहां पर आकर के एक यूनियन बना लेते हैं अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है कॉमन यूनियन बना ली लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरे देश विलेज इस हिसाब से इन्होंने इंडस्ट्री बना, यूनियन बनाई है ठीक है नेशनल लेवल पर नहीं है तो इसको क्या कह दोगे आप लोकल यूनियन ओके लोकल लेवल की यूनियन है अब लोकल फेडरेशन होल्ड्स टुगेदर द लोकल प्लांट लेवल यूनियन इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट और इंडस्ट्री ये लोगों को एक साथ जोड़ के रखने में मदद करता है जो भी उस क्राफ्ट के लोग हैं उस क्राफ्ट के वर्कर्स हैं उस प्लांट के वर्कर्स हैं सबको एक साथ जोड़कर रखने की कोशिश करता है ये बहुत हेल्प करता है बच्चों इससे मदद क्या मिलती है वर्कर्स को कि इंप्लॉयर इंप्लॉयज को इजीली मैन्युपुलेट नहीं कर सकते इम्प्लॉयर्स इम्प्लॉयज को इजिली मैन्यपुलेट नहीं कर सकते कॉमन यूनियन बना ली ठीक है इस कॉमन यूनियन में इन्होंने बोल दिया कि भैया जो मिनिमम वेज पर डे है फॉर एग्जाम्पल थ्री हंड्रेड रुपीज पर डे है ठीक है अब इनको पता है कि ए में भी तीन सौ मिल रहे हैं बी में भी सी में भी तीन सौ मिल रहे हैं और डी में भी तीन सौ मिल रहे हैं अब कल को डी ये नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल डी के मन में लालच आ गया कि मैं तीन सौ रुपए क्यों दू रोज के डी क्या कहेगा अपने वर्कर्स को कि भैया मैं तुम्हारा पर डे वेज जो है वो कम कर रहा हूँ मैं दो सौ रुपए पर डे कर रहा हूँ तो डी डी के वर्कर्स पूछेंगे कि ऐसा क्यों भाई क्यों हमारा वेज क्यों कम कर रहे हो डी कहेगा कि सारे जितने भी फैक्ट्रीज हैं जितनी भी आयरन की फैक्ट्रीज हैं इस एरिया में सबने अपने वर्कर्स का जो है वेज कम कर दिया अब अगर वो जो इम्प्लॉ है जो वो वर्कर है अगर वो इग्नोरेंट है उसे पता ही नहीं कि बाकी के एरियाज में बाकी की फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है उसके एरिया में तो वो मान लेगा डी की बात ठीक है डी के मालिक की बात वो आराम से मान लेगा कि ठीक है मालिक कह रहे हैं तो दो रुपए ही होगा लेकिन अगर वो एक अवेयर वर्कर होगा और अगर वो इस लोकल यूनियन का पार्ट होगा तो इन्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि डी जो है वो झूठ बोल रहा है क्योंकि ए बी और सी में अभी भी तीन रुपए ही मिल रहे हैं रोज के समझ रहे हो तो इसीलिए ये लोकल लेवल यूनियंस जो है ये हेल्प करती हैं इन लोगों को आपस में जोड़ के रखने में ताकि इनको इंफॉर्मेशन जो है वो रेगुलरली मिलती रहे ओके उसके बाद आ जाती है आपकी रीजनल लेवल फेडरेशंस अब रीजनल लेवल फेडरेशंस क्या होती हैं ये वो फेडरेशन होती हैं बहुत वाइटल जो है कॉम्पोनेंट प्ले करती हैं ये हिंदुस्तान के यूनियनिज्म के स्ट्रक्चर में क्योंकि देखो हिंदुस्तान में लैंग्वेज बहुत सारी हैं कस्टम्स बहुत सारे हैं रिलीजन बहुत सारे हैं जोग्राफी अलग अलग है ठीक है और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी रीजन टू रीजन वेरी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ वर्कर्स की प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल पंजाब रीजन में कुछ वर्कर्स की प्रॉब्लम कुछ है तो जरूरी नहीं है कि उनकी वेस्ट बंगाल में भी वही प्रॉब्लम हो वेस्ट बंगाल के वर्कर्स की भी वही प्रॉब्लम हो या साउथ इंडिया के वर्कर्स की भी वही प्रॉब्लम हो इनकी प्रॉब्लम जो है इन तीन रीजन के वर्कर्स की प्रॉब्लम वेरी करेगी क्योंकि इनके ज्योग्राफिकल एरियाज अलग हैं यहाँ पर लोगों के रिलीजन अलग हैं कस्टम अलग हैं भाषा अलग है पॉलिटिकल फैक्टर्स अलग अलग हैं तो इसीलिए रीजनल लेवल फेडरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अब रीजनल लेवल फेडरेशन आप समझ ही गए होंगे कि वो फेडरेशन जिसमें एक पर्टिकुलर रीजन के वर्कर्स जो है वो आपस में मिलकर के एक यूनियन बना लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये मेंफिलियटेड नहीं होते अलग अलग इंडस्ट्रीज से आकर जो है इस यूनियन में जो लेबर क्लास है जो वर्कर क्लास है वो साथ में जुड़ता है अब ये जो फेडरेशन होती है जो रीजनल लेवल फेडरेशन होती है ये भी दो टाइप की हो सकती है ठीक है क्या टाइप हो होंगे एक हो सकती है आपकी जो प्लांट लेवल यूनियन जिनसे एफिलियट हो रही हो दूसरी वो होती है जिनसे लोकल फेडरियट हो रही सिमिलरली लोकल वाली रीजनल वाली से भी हो सकती है नेशनल वाली, वाली, वाली से भी हो सकती है और दोनों से भी हो सकती है ठीक है तो इनके दो तरह के मेंबर होते हैं या तो प्लांट लेवल यूनियन जो होती है वही इनसे आकर जुड़ जाती है या रीजनल लेवल यूनियन आकर इनसे जुड़ जाती है अब देखो ये जो यूनियन होती है ना ये पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ज्यादातर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जैसे आपकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रीजनल पॉलिटिकल जैसे डीएमके आपकी एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कहीं उनके खुद के ट्रेड यूनियन के विंग्स भी होते हैं जो एज अ रीजनल लेवल फेडरेशन रोल प्ले करते हैं अब इसमें अगर आप एग्जांपल देखो तेलुगु देशम है आंध्र प्रदेश में या तृणमूल कांग्रेस है वेस्ट बंगाल में इनके रीजनल वैसे तो तृणमूल कांग्रेस जो है इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है लेकिन अगर आप इसकी प्रेजेंस देखो तो ज्यादा आपकी वेस्ट बंगाल में ही है ठीक है तो ये जो पार्टीज हैं तेलुगु देशम या तृणमूल कांग्रेस इनके खुद के जो है रीजनल आ, आपके यूनियन फेडरेशन भी हैं ठीक है जिसमें आपके वर्कर्स जो हैं और जो यूनियन के जो लोग हैं वो आकर के जुड़ते हैं हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने गेन के लिए यूज करते हैं ठीक है और हमने जब रीजन फॉर ज्वाइनिंग बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियन में भी मैंने आपको बताया था कि वर्कर जो है वो एनालाइज करता है उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट तो जब वो कॉस्ट देखता है तो वो एक चीज देखता है कि वो कितना नॉन मॉनिटरी उसकी कॉस्ट क्या आ रही है कि टाइम कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना ये कह देती है कि अपने सारे वर्कर्स को हमारे यहाँ पर जो है हमारे मंत्री साहब की रैली होनी है उसमें रैली में भेजिए ठीक है, है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बंद डिक्लेयर कर दिया हिंदुस्तान में बहुत बार बंद डिक्लेयर

फोर टीयर स्ट्रक्चर के हमने देख लिया ना चार टीयर स्ट्रक्चर है अपना सबसे नीचे आ गया आपके प्लांट लेवल फिर लोकल लेवल फिर आ गया रीजनल लेवल और अल्टीमेटली ये टॉप पर आपका कौन सा आ जाएगा नेशनल लेवल ठीक है अब ये जो नेशनल फेडरेशन होती है ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बाकी की जो छोटे वाली जो बॉडीज हैं चाहे वो रीजन हो चाहे वो लोकल हो चाहे वो प्लांट हो इन सबको कोऑर्डिनेट करती हैं ठीक है ठीके? अब ऐसा तो नहीं है कि नेशनल नेशनल फेडरेशन में डायरेक्टली वर्कर्स जाकर ज्वाइन कर रहे हैं यहां पर नेशनल फेडरेशन जो होती है नेशनल जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ट्रेड यूनियंस होती हैं इनकी एफिलिएशन लेती हैं आपकी लोकल लेवल की यूनियंस प्लांट लेवल की यूनियंस और रीजनल लेवल की यूनियंस ये जो भी ये यूनियन होगी फॉर एग्जाम्पल एक यूनियन है ए एक बी ये सी ये जाकर के एक नेशनल फेडरेशन के साथ जो है अपनी मेंबरशिप जोड़ लेगी ताकि अपनी बात वो नेशनल लेवल के ऊपर भी रख पाए ठीक है अब ये जो फेडरेशन होती हैं इनकी खुद की रीजनल और स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज भी होती हैं ठीक है अब रीजनल और स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज का काम क्या होता है कि अगर कोई प्लांट लेवल यूनियन नेशनल फेडरेशन के साथ जुड़ने की जगह एक रीजनल या स्टेट लेवल बॉडी के साथ ही जुड़ना चाहती है तो वो इस पर्टिकुलर बॉडी के साथ जुड़ सकती है तो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक जो है वो बन जाता है अब इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जैसे कि आई और एआईटी अब देखो काफी बच्चों के दिमाग में अभी ये बात आपके मन में आ रही होगी कि सर अभी तक जो हमने पढ़ा इसका एग्जाम स्पेसिफिकनेस या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है सबसे पहली बात यूपीएससी का जो भी पेपर देता है बच्चा उसके लिए थोड़े बहुत कंसेप्ट समझने भी जरूरी होते हैं थोड़ी बहुत स्टोरी क्लियर करनी भी जरूरी होती है अगर मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स पढ़ाता जाऊं तो मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं वो तो फिर मैं आपको पीडीएफ बनाकर भी दे सकता हूं ठीक है उसमें उल्टा मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा लेकिन चीजों को जैसे-जैसे समझोगे सब्जेक्ट की क्लैरिटी बनेगी और अब, अब अच्छा तो तो फेंक देंगे कि आ तो, जाए पेपर में। तो अब तैयार रहना अब आपके लेक्चर जो है मैं उसी तरह से जो है डिले हो गया क्योंकि अब लेक्चर डिफरेंट वे में स्ट्रक्चर करूंगा पहले लेक्स को स्ट्रक्चर कर रहा था चार अक्टूबर के एग्जाम के हिसाब से ठीक है अब मैं जो लेक्चर्स को स्ट्रक्चर करूंगा वो मैं स्ट्रक्चर करूंगा आपके एग्जाम डेट लेके कि 31 जनवरी के आसपास आपका एग्जाम होगा 2021 में ऐसा मैं करके चलूंगा तो मेरे पास चार महीने ऑलमोस्ट जो है वो एक्स्ट्रा आ गए हैं तो मैं अब इन चार महीनों में आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो उसी हिसाब से स्ट्रक्चर करूंगा लेक्चर्स को ऑल राइट चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एवोल्यूशन करेंगे ट्रेड यूनियंस का ठीक है और आप लोग भी पढ़ सकते हो मैंने बता दिया जिन बच्चों के पास राजीव वही है स्पेक्ट्रम की वो पढ़ सकते हैं नहीं तो आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो उसको आजकल बुक्स जो है इजीली मिल जाती हैं पीडीएफ बुक्स इजीली मिल जाती हैं उसमें एक वर्किंग क्लास का चैप्टर है वो पढ़ लेना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा चलिए बच्चों तो आप के लिए इतना ही धन्यवाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अपना ध्यान रखिएगा सेहत का ध्यान रखिएगा सेहत खराब नहीं होनी चाहिए सेहत खराब हो जाए तो दिन खराब हो जाते हैं बाय बाय